नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर्स है, दुनिया में जहां भी है, हमेशा खुश रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। दोस्तों, जिंदगी में एक चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पैसे। सब कुछ आपके पास है, लेकिन यदि पैसे आपके पास नहीं है तो पूरा जो आपका जीवन है बिल्कुल बेनूर हो जाता है। जिंदगी को सुखी बनाने के लिए, संपन्न बनाने के लिए पैसों की बहुत जरूरत होती है। तो पैसों की कमी इस उपाय को करने से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। मंद बुद्धि व्यक्ति लाइफ में कुछ नहीं कर पाता, तीव्र बुद्धि का व्यक्ति कहीं पर भी मिट्टी भी है तो सोने के भाव बेच करके आ जाएगा। कहीं पर भी यहां वहां से रास्ता बनाकर वो अपने टारगेट तक, अपने डेस्टिनेशन पर आराम से पहुंच जाएगा। बेवकूफ इंसान के सामने रास्ता पड़ा पर उठ करके नहीं चल पाता। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरी बुद्धि तीव्र नहीं है, मैं उतनी जल्दी नहीं सोच पाता या नहीं सोच पाती हूँ जितना दूसरे लोग सोच पाते हैं, जितनी जल्दी दूसरे लोग अपना रास्ता तय कर लेते हैं मुझसे नहीं होता, घर आपका कलह युक्त है, घर के लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, नौकरी धंधे आपके अच्छे से नहीं चल रहे, ये छोटा सा काम दोस्तों बुधवार के दिन का, इस काम को करने से आपके घर में सदैव लक्ष्मी का वास रहेगा। कितना भी बड़ा भिखारी हो, इस उपाय को करना शुरू कर दे, हर काम में सफलता मिलने लग जाएगी और घर में माता लक्ष्मी का वास हो जाएगा। तो दोस्तों, बुधवार के दिन आपको क्या करना है, या तो सुबह के समय या फिर शाम को संध्या समय आप थोड़ा सा गाय का गोबर ले लें। गाय के गोबर में दोस्तों माता लक्ष्मी का वास होता है। गाय के मूत्र में, गोबर में, गाय के हर चीज में, गाय खुद एक वरदान है दोस्तों, तरह तरह के देवताओं का वास है। तो आपको गाय का थोड़ा सा गोबर लेना है और आपको दुर्वा ले लेनी है। दुर्वा से दोस्तों गणपति जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। आपको पता होगा बुधवार के दिन गणपति जी को दुर्वा अर्पित करें, 8 दुर्वा गणपति जी को अर्पित करना शुरू कर दें, आपका कैसा भी काम होगा बहुत जल्दी हो जाएगा। तो बुधवार के दिन ही आपको थोड़ा सा गोबर लेना है और घर के बाहर दीवार पर या फिर आपकी चौखट में एक तरफ बाहर की तरफ थोड़ा सा गोबर लगा देना है और उसके ऊपर आपको दुर्वा लगा देनी है। आपको सुनने में, देखने में ऐसा लगे कि थोड़ा खराब लगेगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, जिनके कच्चे मकान है उन्हें तो तकलीफ नहीं होती है, लेकिन जिनके कच्चे मकान नहीं उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं ऐसा उपाय करने से थोड़ा ऐसा लगेगा। लेकिन जब आप इस उपाय का रिजल्ट देखेंगे तब आपको खुद ऐसा लगेगा कि अरे इससे भी ज्यादा बुरा लगे तो कोई बात नहीं है, उपाय को करके बड़ा अच्छा रिजल्ट मिला है, घर में धन आना शुरू हो गया है। धन प्राप्ति के लिए तो इंसान क्या क्या कर्म करता है। तो ये दोनों ही शुद्ध और पवित्र चीजें हैं, दुर्वा और गोबर। तो इनको दोस्तों आप अपने घर के दरवाजे पर, मतलब चौखट पर बाहर की तरफ नीचे लगा दे, या दीवार पर लगा दे, या घर के बाहर की दीवार पर आप इसको चिपका दे। कितना भी बड़ा भिखारी होगा, कुछ ही बुधवार इस उपाय को यदि आप करते हैं घर में धन आना शुरू हो जाए। करके देखिए, कोई ऐसी बात हो जो आपकी समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे। उपायों को करते रहे और खुश रहे। जय श्री कृष्ण।